वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, पालनपुर है क्या? पालनपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ऐसा कोई सचमुच में विलेज नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमको कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए? चार चीजों के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले लैंड यानी कि जमीन की जरूरत पड़ेगी। जमीन कहाँ पे? जमीन पे तो वही फैक्ट्री डाले। दूसरा, फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। अब फैक्ट्री डलेगी तो फैक्ट्री के अंदर हमको क्या चाहिए? इक्विपमेंट चाहिए, है ना, मशीनरी चाहिए, और उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, भाई लोग चाहिए। तो ये चार चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, याद रखना। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। अब यार प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के लिए आपको जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, और उन मशीनों पे जो काम करने वाला है स्किल्ड यानी कि नॉलेज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। पब्लिक हेल्थ का प्रोडक्शन से क्या मतलब? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आर देयर। तो फिजिकल कैपिटल कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो अभी ये पूछ रहा है नॉट, नहीं है भाई। फिजिकल कैपिटल तो टाइप है और वर्किंग कैपिटल भी टाइप है, यूज्ड कैपिटल ये टाइप नहीं है। तो राइट आंसर है इसका यूज्ड कैपिटल। वॉट इज नीडेड टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। अगर हमारे पास क्या क्या है? जमीन है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, तो आउटपुट यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या क्या और चाहिए? नॉलेज चाहिए और एंटरप्राइज चाहिए। नॉलेज यानी कि वो जो मशीन्स लगी हुई है फैक्ट्री के अंदर, ये थोड़ी है कोई भी एरा गैरा नत्थू गैरा आएगा और मशीन चला देगा, भाई उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, एंटरप्राइज यानी कि वो फैक्ट्री। तो राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। हाउ इज द स्टेट ऑफ फैसिलिटीज लाइक रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इन पालनपुर। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये पूछ रहा है पालनपुर के अंदर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड्स की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसी है? तो हम कह सकते हैं फेयरली वेल। भले से वो एक छोटा गांव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, ऐसा नहीं है वहां पे सड़कें है ही नहीं, भाई काफी अच्छी तरह से है। डैश इज द मेन एक्टिविटी इन पालनपुर। पालनपुर के अंदर जो मेन एक्टिविटी होती है वो है फार्मिंग। इन पालनपुर मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। लिमिटेड स्केल का मतलब है छोटे स्केल पे होता है सारी चीजें। अब भाई छोटा सा गांव है, बहुत कम आबादी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब कोई भी काम जो है बड़े लेवल पे चलेगा, है कि हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, ठीक है। तो जो भी काम चल रहा है वो लिमिटेड स्केल पे चल रहा है, एक छोटे लेवल पे चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स। मैनमेड आइटम भी रिसोर्स है, पैसा भी रिसोर्स है, ह्यूमन एफर्ट भी रिसोर्स है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रायगंज क्या है? रायगंज एक जगह है, एक इंडस्ट्रियल टाउन है और पालनपुर का नेबरिंग विलेज है। यानी आपने देखा होगा आपका जो विलेज है उससे पास में कोई दूसरा बड़ा विलेज लग रहा है ना, आपके विलेज से दूसरा। तो रायगंज क्या है? एक बड़ी जगह है थोड़ा सा, हालांकि वो कोई शहर नहीं है, लेकिन हाँ विलेज जो है टाउन टाइप है, थोड़ा बड़ा है किससे? तो राइट आंसर है वो एक इंडस्ट्रियल टाउन है और नेबरिंग, पड़ोस में लगता है किसके? पालनपुर के। इन एंड नियर पालनपुर व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन। भाई वहां पे तांगे वाला दिखता है, बुग्गियां दिखाई देती हैं और ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेजेस। पूरे इंडिया में मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है, खेती बाड़ी। व्हाट इज द बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब यार ये बताओ कि हमें अपनी जमीन पे ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम बहुत ज्यादा पानी यूज कर लेंगे, HYB सीड्स भी यूज कर लेंगे, सारी चीज, लेकिन जमीन थोड़ी ना बढ़ जाएगी। अब किसी के पास 300 हेक्टेयर जमीन है तो वो तो 300 हेक्टेयर ही रहेगी भाई। जो एरिया है लैंड का वो थोड़ी ना बढ़ सकता या घट सकता, वो तो उतना ही रहेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम पड़ती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। लैंड को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? हेक्टेयर।
ज्वार एंड बाजरा ये दोनों कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, याद रखना। गिंथा ये एक लोकल लैंड मेजरिंग यूनिट है, मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है जमीन को नापने के लिए। द प्लांट्स ऑफ क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा यूज्ड एज कैटल फीड, ठीक है। अब कैटल फीड का मतलब क्या होता है? गाय भैंस यानी कि जानवरों को चारा खिलाने के लिए क्या क्या यूज होता है? ज्वार का भी यूज होता है और बाजरे का भी यूज होता है। डैश क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर में इनको कल्टिवेट किया जाता है, काटा जाता है, राबी क्रॉप्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया, यानी गांव में छोटी सी जगह पे भाई टूरिज्म थोड़ी होगा, वहां पे कोई देश विदेश के पर्यटक थोड़ी घूमने आएंगे। हाँ वहां पे डेयरी इंडस्ट्री होगी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट होगा। अब जो टूरिस्ट है वो तो भाई ताजमहल देखने आएगा, लाल किला देखने आएगा, कोई ऐसी चीज देखने आएगा जो फेमस है, वो छोटे मोटे गांव में क्या करने आएगा? पटेटो क्या है? एक राबी क्रॉप है, याद रखिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल, सॉरी ये तो हमने कर लिया टूरिज्म। केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड टू, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक है, हम पॉल्यूशन बढ़ता है, सॉइल की जो हालत है वो भी खराब हो जाती है, राइज इन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, और जो हमारी जो फसल जो सस्ती आती थी क्योंकि किसान ने सारी चीजों का यूज किया, फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स कोई फ्री में तो मिले नहीं होंगे, पैसों में मिले होंगे, तो जो फसल है उसका भी दाम बढ़ जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से ये सारी चीजें होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मच लैंड डू स्मॉल फार्मर्स ऑन, छोटे फार्मर्स के पास या तो जमीन होती नहीं है, और होती भी है तो लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश, अगर आपको ज्यादा कैश की जरूरत है, ज्यादा कैश चाहिए, आप चाहते हो कि भैया मुझे फसल बेचने के बाद ज्यादा पैसा मिले, तो आपको मॉडर्न फार्मिंग करनी होगी, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, कम जमीन पे ही हम ज्यादा फसल उगा सकते हैं HYV सीड्स का यूज करके। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस सॉइल, दिस फर्दर लीड्स टू, देखो अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा तो भैया उससे ठीक है फसल तो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सॉइल भी आपकी खराब हो जाएगी, सॉइल डिग्रेड। Who owns the majority of land in the village Palampur? Palampur में ज्यादातर जमीनें किसके पास हैं? जो हाई कास्ट लोग हैं, जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, उनके पास है ज्यादातर जमीन। Which of the following term is used to for measuring the crop produced? जो फसल पैदा हुई उसकी पैदावार के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? Yield, ठीक है। What is done to the surplus wheat in Palampur? अब मान के चलो किसान ने अनाज उगाया, उसने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इतना अपने घर के लिए रख लिया, अब ये जो बचा हुआ है इसका क्या करेगा भाई? इसको वो बाजार में बेच देगा और पैसे मिल जाएंगे उसे। HYV सीड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। विच इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया? भाई आपको किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी एंटरप्राइज में या खेतों में ही समझ लो, अगर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो सबसे बड़ा फैक्टर है लेबर, जितने आदमी होंगे भाई साहब काम करने वाले, जितनी मशीन्स होंगी उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन पालमपुर? खरीफ के टाइम पे कौन सी, खरीफ सीजन में ज्वार उगता है। विच खरीफ क्रॉप इज यूज टू कैटल फीड? ज्वार और बाजरा है ना, जानवरों को खिलाने के लिए, अभी हमने पहले भी किया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वॉज टू फर्स्ट ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग? किसने ट्राई की थी? हरियाणा ने सबसे पहली बार। वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल इन पालमपुर? छोटे किसान को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है गांव वगैरह में तो वो कहां से लेता है? विलेज मनी लेंडर से, गांव में जो उधार देने वाले लोग होते हैं ना, बड़े फार्मर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, वो दे देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राबी क्रॉप कौन सी है? ग्राम, ग्राम मतलब चना। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, इनको तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में।
स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। अब जो स्कोप है फार्मिंग का वो भी कम ही है और जो प्रोडक्शन होती है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जमीन भी वहां पे बहुत कम है, इस वजह से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। विच प्रोडक्ट इज सोल्ड बाई मिश्री लाल ट्रेडर्स इन सहारनपुर? चिल्ड्रन, अगर आप सहारनपुर जाओगे तो वहां का गुड़ बहुत फेमस है, तो जैगरी वो बेचते हैं, बहुत अच्छा गुड़ मिलता है। विच वन इज नेचुरल रिसोर्स? लेबर नेचुरल रिसोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो नेचुरल रिसोर्स है मिनरल्स। मिनरल्स कोई फैक्ट्री में नहीं बनते। मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक देखो, एक बार जैसे किसान ने ट्रैक्टर खरीद लिया, भाई अब हर साल थोड़ी ट्रैक्टर खरीदेगा, दसियों साल बीसियों साल उसी ट्रैक्टर से काम चलाएगा, लेकिन बीज उसे हर साल खरीदने पड़ेंगे, है ना, फर्टिलाइजर्स उसे जब भी नई फसल होगी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी कैपिटल, ऐसा पैसा जो इन चीजों को बार बार खरीदने में खर्च होता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। व्हाट वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन? किसके लिए था? मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रेन यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया कल्टिवेटेड बाय मीडियम और लार्ज फार्मर्स? कितना एरिया कल्टिवेट कर देते हैं? लगभग 64%। Which of the following is not a fixed capital? क्या नहीं है भाई? देखो, एग्रीकल्चर लैंड एक बार खरीद ली, अब हर बार जमीन तो नहीं खरीदनी। ट्यूबवेल एक बार लगवा दी, बीसों साल की छुट्टी होगी। मशीन एक बार खरीद ली, लेकिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बार बार खरीदने पड़ते हैं, हर साल हर सीजन में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? की प्रोडक्शन के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 5, 3, 4 या अनकाउंटेबल। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।